मैंने ऐसा एक्सीडेंट आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा यार, जो एक्सीडेंट उनके साथ हुआ है। तो उसके वजह मैंने वो रिपोर्टर की बात सुनी, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ा। आप सोच रहे होंगे कि राजा भाई झूठ बोल रहे हैं, अभी मैं आपको क्लिप वाली शेयर कर दूंगा बीच में, बट बड़े सारे लोग कुछ बोल रहे थे कि जो बाइक था वो स्टंट जो है वो स्टंटबाज भी हो सकते हैं, मतलब स्टंटबाज भी हो सकते हैं यार। मुझे तो समझ नहीं आती कि हमारी जम्मू कश्मीर के जो रिपोर्टर्स हैं, आऊंगा मैं, मेरा दोस्त है, मैं आऊंगा। आज तक कहाँ था फिर? तो आज तक तू कहाँ था? तू कहाँ था? तू कहाँ था? फुद्दू साला यार, ये रोज है, हम फुद्दू, हम इसको मना रहे हैं। नहीं मनाओ, मैंने नहीं बोला। जाना फिर यार। तो गाइस कमेंट करके बता देना कि ये स्कूटी आपको कैसी लगी। तो मम्मा ने ली है स्कूटी और पापा ने लेके दी है मेरे को। केटीएम कब लेके दोगे आप? बहुत जल्दी लेकर दूंगा। हैं? बहुत जल्दी। चलो ठीक है, आज पापा बड़ा खुश है, स्कूटी लिए। शीशे कब खोलने इसके? ये नहीं खोलेंगे कभी भी। कभी भी नहीं? कोई ही बोलता है पापा कभी नहीं खोलने वाला। तो चलो गाइस आज की वीडियो को करते हैं शुरू। तो व्लॉग करने से पहले और मतलब राइड पे जाने से पहले मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी थी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप सबको पता होगा कि परसों भाई हमारे जम्मू में एक रात को बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। दो बंदे थे, मतलब लड़का और लड़की थे, रात को बाइक पे कहीं पे जा रहे थे, घर जा रहे थे, यहीं पे कहीं पे भी जा रहे थे। तो मेरे को सुनने में इतना आया कि या किसी गाड़ी वाले ने, मतलब ऑल्टो वाले किसी की गलती थी या फिर ट्रक वाले के नीचे आ गए। ठीक है, चलो भाई जो भी होगा वो उस टाइम जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा, मेरे को कुछ भी नहीं पता। तो मैं इतना आपको अपने से चढ़ा के नहीं बोलूँगा, क्योंकि जितना पता है उतना ही बोलना चाहिए, फालतू कभी भी किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जब पता हो ना कि किसी की डेथ हो गई है तो तब तो कुछ भी उनके लिए उल्टा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उन इंसान के लिए बोलना है क्या कि भाई जो इस दुनिया पर ही नहीं रहे। सिंपल सी बात है। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा न्यूज़ वालों का लगा, बहुत सारे हमारे जम्मू में न्यूज़ वाले हैं जो कि बहुत अच्छे भी है, अच्छी न्यूज़ देते हैं। ठीक है, चलो भाई आप थोड़ा बहुत चढ़ा के बोलो, चलते हैं भाई। किसी की लड़की थी और किसी का लड़का था, उनके माँ बाप के लिए उनका पूरा संसार ही ख़त्म हो गया, क्योंकि उनके बच्चे ही इस दुनिया से चले गए। और एक न्यूज़ वाले की मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ, वो बोल रहा है कि वो स्टंटबाजियाँ कर रहे थे। अब आप मेरी इस बात को लेकर किसी भी न्यूज़ रिपोर्टर के साथ मत जोड़ देना, मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रहा। बट हाँ, एक न्यूज़ वाले ने ऐसा बोला, मतलब मैं न्यूज़ देख रहा, मम्मा भी साथ में बैठे थे, तो मैंने मम्मा को बताया कि ऐसा ऐसा सीन हुआ है, रात को एक्सीडेंट हुआ, तो ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई। बहुत बुरा लगा, इवन तक कि मैं उनको अच्छे से जानता भी नहीं था या कुछ भी नहीं, बट इतना था कि चलो वो बाइक पे थे, क्योंकि हम भी बाइक्स वगैरह चलाते हैं, हमें भी पता है कि हर एक बंदा स्टंट नहीं मारता, तो स्टंट मारना कोई आसान काम नहीं है। अगर किसी बंदे के पास स्पोर्ट्स बाइक है, अगर उनके पास R15 बाइक थी, तो इसका मतलब क्या, वो स्टंटबाज थे यार। सुनने में आया है कि वो स्टंटबाज थे, स्टंटबाजियाँ कर रहे थे। मतलब अगर तू रिपोर्ट दे रहा तो तू वहाँ पर स्टंटबाजियाँ देख रहा था? अगर तू बोल रहा है इस चीज़ को कि वो स्टंटबाजियाँ कर रहे थे, तू था वहाँ पर? ये होना कि भाई तुमने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया हो कि वो वहाँ पे स्टंट वगैरह कर रहे थे, तो तब जाके आप उनको बोलो भाई किसी की लड़की की डेथ होगी, किसी के लड़के की डेथ होगी। और आप लोग बोल रहे कि R15 बाइक थी, पक्का स्टंटबाज ही होंगे और स्टंटबाजियाँ कर रहे होंगे। मैं तो उनके मम्मा पापा के लिए यही बोलूँगा कि भगवान उनको संभाले यार, क्योंकि भाई बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। हम सब दोस्त भाई वो एक्सीडेंट देख के डर गए, वो फोटोज़ हमारे पास भी पहुँची हैं। मैं वो फोटोज़ अगर आप लोगों को दिखा दूंगा ना, तो भाई आप बोलोगे कि भाई ये क्या हुआ है भाई, इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ हमारे जम्मू कश्मीर का ना, मेरे ख्याल से ये सबसे खतरनाक एक्सीडेंट होगा आज तक का। बाकी मैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, छोटे बच्चे अगर साइकिल चलाते हैं या मेरे को देख के कोई बाइक वगैरह लेता है या बाइक वगैरह चलाता है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरा भाई मेरी बहन जो भी व्लॉग देख रहे हैं, राइडिंग जैकेट पहन के घर से निकला करो। आपने नोटिस किया होगा कि मैं जून जुलाइयों में भी भाई राइडिंग जैकेट पहन के मैंने दिल्ली में ब्लॉक किया है। हेलमेट्स महंगे से महंगा लो, कुछ नहीं पता भाई, हमारे इंडिया में ना लोग अपनी गलतियों से कम मरते हैं, लोगों की गलतियों से ज़्यादा मरते हैं। और बाकी अगर वो न्यूज़ वाला रिपोर्टर ये वीडियो भी देख रहे हैं ना, तो भाई अच्छी रिपोर्टिंग किया करो, क्यों फालतू लोगों को आप तंग करते हो। अगर आपको न्यूज़ देने नहीं आती ना, तो जाके फूड व्लॉगिंग करो, कुछ खाओ पियो और उधर जाके भाई व्लॉगिंग करो। एक तो और एक बात तो बिल्कुल सच है भाई, ये जो फालतू मोटो व्लॉगर्स के लिए बोलते हैं ना, और जो लोग बोलते हैं स्टंटबाजियाँ ये हैं वो, इनकी न्यूज़ें चढ़ती ही नहीं है। जैसे ये बाइक का नाम इंक्लूड करते हैं ना बीच में, तब भी इनको व्यूज़ आते हैं। और ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से नोट्स की है। और हमारे जम्मू में इतने तगड़े तगड़े सीन होते हैं ना, इतना कुछ ख़राब हुआ पड़ा है, नशों में लोग लगे हुए हैं, वो नहीं इनसे कुछ होता। इनको बस एक मौका मिलना चाहिए कि कोई बाइक वाला गिरा है या किसी बाइक वाले ने कुछ किया है, तो बस ये उस बाइक वाले के ना पीछे पड़ जाते हैं। उसके वजह मैंने वो रिपोर्टर की बात सुनी, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ा। आप सोच रहे होंगे कि राजा भाई झूठ बोल रहे हैं, अभी मैं आपको क्लिप वाली शेयर कर दूंगा बीच में। उनका साफ तौर से कहना है कि बड़े सारे लोग कुछ बोल रहे थे कि जो बाइक था वो स्टंट जो है वो स्टंट स्टंटबाज भी हो सकते हैं।
स्टंटबाज भी हो सकते हैं, मतलब स्टंटबाज भी हो सकते हैं यार। मुझे तो समझ नहीं आती कि हमारी जम्मू कश्मीर के जो रिपोर्टर्स हैं जिनको बाइकिंग के बारे में पता नहीं, उनको स्टंटबाज एक नाम पता चल गया है तो बस वो स्टंटबाज के पीछे पड़ गया। उधर उनकी डेथ हो गई है दोनों की और ये बंदा बोल रहा है कि वो स्टंटबाज हो सकते हैं। मैं ऐसे बंदों को पता क्या करना चाहिए, ऐसे बंदों को ना जानू के पीछे बिठा के ना पीछे वाली सीट पर जानू को बोलना चाहिए विली मारो इनको ना पूरा का पूरा 90 डिग्री पूरा का पीछे की सीट के आगे तक ले गया। सच बोल रहा हूँ, तब इनको पता चलेगा स्टंटबाज क्या होता है। बट इनको अकल नहीं आएगी, ये बस फालतू बोलते रहेंगे, इनको बस अपने न्यूज़ चैनल्स पे व्यूज़ चाहिए और स्टंटबाज बोल दो। कल भी किसी का एक्सीडेंट बाइक वाले को होगा तो हाँ भाई ये स्टंट मारे थे ये तो हुआ। चलो बाकी छोड़ो, मैं यही बोलूँ अगर उनके घर वालों में से या उनके किसी फैमिली में से अगर कोई छोटा बड़ा हमारी ये वीडियोज़ देख रहा है तो हम उनको यही बोलेंगे कि आप प्लीज़ अपना ध्यान रखो। बाकी यार हम इतना ही भूल सकते क्योंकि यार देखो आज के टाइम पे कोई भी किसी का ना सही नहीं सोचता है भाई। लोग दुनिया से मतलब वो दो दुनिया से चले भी गए बट फिर भी देखो फालतू लोग कैसे मतलब उनके उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मतलब शर्म आनी चाहिए कि अब तो वो दुनिया में भी नहीं है तो उनके लिए कुछ अच्छा बोल दो, बट नहीं। बाकी चलो गाइस अभी निकलते हैं यहाँ से, देते हैं कोल्ड स्टार्ट। अभी मेरे को पीछे ये सीट लगानी थी और मैंने कोल्ड स्टार्ट कर दी बाइक, बट चलो कोई बात नहीं। और हालत तो इसकी भी ख़राब हो जाएगी क्योंकि शराब बोल रहा था तू सीट नहीं लगा के आता है ये है तो वो है। मैंने बोला चल यार कोई बात नहीं आज मैं ना सीट भी लगा के आऊँगा, तो पहले इसको कोल्ड स्टार्ट होने देते हैं। बाकी भाई मैं तो कल बाइक लेके गया था बाहर, मेरा तो यही मन कर रहा है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी क्राउन को जम्मू से बाहर ले जाऊँ, नहीं तो यहाँ भी ये रहेगी ना बेचारी ख़राब हो जाएगी भाई मिट्टी के साथ ही, इतनी ज़्यादा मिट्टी इसके अंदर जाती है ना भाई, ये चेक करो भाई। अब तो मेरे को इसको धोने का भी मन नहीं कर रहा है यार सच में। तो बाकी चलो इसको कोल्ड स्टार्ट वगैरह होने देते हैं, देन उसके बाद इसमें सीट वगैरह लगाते हैं तो फिर निकलते हैं। बाकी बाइक तो आपको पता है भाई अपनी दोनों की दोनों बॉम्ब है और जल्दी से जल्दी मैं एक और बाइक लेने वाला हूँ, मैं भी दिसंबर में लेने वाला हूँ, तो देखते हैं कौन सी बाइक आपका भाई लेने वाला है। मैंने मम्मा को बोला है और आज हमने शाम को एक स्कूटी भी पापा के लिए लेके जाना है। आपको पता है हमारे पास एक मेस्ट्रो स्कूटी है, तो लास्ट मंथ हमने एक स्कूटी ली थी जुपिटर तो वो तो बहन लेके चलेगी अमृतसर, तो जो मेस्ट्रो स्कूटी है भाई उसमें दिक्कत आ रही है, तो फिर आज शाम को मे बी हम एक न्यू स्कूटी लेने जाएंगे तो आपको मैं बता ही दूंगा भाई कौन सी स्कूटी लेने जा रहा है। भाई ये देख रहे हो मुझे तो कहीं से रास्ता भी नहीं मिल रहा कि मैं जाऊँ कहाँ से, कितनी बड़ी बड़ी मशीन्स हैं भाई। ओ देखो भाई आगे पूरा का पूरा बंद है, मैं तो फंस गया आज भाई, मुझे यहाँ पे रोकनी पड़ेगी भाई। आपके भाई को यहाँ से रॉन्ग साइड से जाना पड़ता है भाई, यहाँ पे रास्ता ही नहीं क्या करूँ यार, देख रहे हो। लेट्स गो भाई, वो देखो गाय कहाँ पे चढ़ी ऊपर, वो देख रहे हो, वो देखो ऊपर। अरे जम्मू में साइड पे छोटी छोटी पहाड़ियां बन गई हैं। बम 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 बम, इस रोड पे आके मेरे को पता नहीं कोई आत्मा घुस जाती है जो मैं करने लग जाता हूँ। बम बम बम, पीछे पुलिस मार दी गेड़िया से चंगे ना इंसान कूड़े। आजकल आपको ना बीच बीच में पता नहीं गाने क्यों गाने लग जाता है, क्योंकि कानों में आपके भाई ने ना एयरफोन्स लगाए हुए हैं तो जो गाने कान में चलते हैं तो वो ना मैं गाने की भी कोशिश करता हूँ। अगर मेरी आवाज़ अच्छी है तो भाई मेरे को ना थोड़ा मोटिवेट किया करो कि मैं इंडिया आइडल तक जाऊँ और मुझे मुंबई की टिकट मिले। ये रही ड्यूक, तो रईस भी आ चुका है सामने देख लो और शदाब भी आ चुका है, तो भाई अभी देखते हैं क्या सीन रहता है। तो मैंने यार जैसे ना एक चीज़ डिसाइड किया है, मैं अपनी बाइक ना दोनों को दोनों अलॉय भाई पता कौन से कलर के करने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मैं चेरी कलर सोच रहा हूँ, तो यार सोच रहा हूँ कि भाई जिस कलर का ये शॉकर है तो इस कलर के कर लूँ, तो बाकी देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। तो अभी चलते हैं यहाँ से। तो यार आज शदाब भी आया हुआ है तो रईस भी आया हुआ है, तो ये बोल रहा है कि यार आज शफकत के साथ मतलब सब ख़त्म कर दे तो या फिर वापस से दोस्ती कर ले। बोलता है मेरे पास रात को शफकत आया हुआ था तो रईस का रूम यहीं पे है, तो ये दोनों साथ में बैठे हुए थे तो रईस बोल रहा है कि उनको मैंने उससे बहुत सारी बातें वगैरह की, वो भी बड़ा सैड था। मैंने बोला यार अगर सैड तो लड़ाई ख़त्म कर यार, घूमते फिरते ट्रिप्स वगैरह मारते आगे आगे जाते कहीं घूमने फिरने, बट दो ही बोलता चल कोई ना जिसको मैंने बुलाया। बोला ना तो लास्ट व्लॉग में भी ख़त्म करने के लिए आया हुआ था यार, मैं तूने जो बोला मैंने वो किया और ऊपर से गाइस मेरी कोई गलती भी नहीं है ठीक है, गलती भी उसी की थी। उसके बाद चलो ठीक है मैंने बात नहीं की, मुझे बुरा लगा उस बात का मैंने बात नहीं की, बट उसके बाद अगर मैं खुद यहाँ से हेलो करने के लिए जा रहा हूँ उससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं ना कर सकता। बाकी आप लोगों को पता भी नहीं कि भाई बात क्या हुई है क्या नहीं, बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं राजा भाई आप पैट्रियट दिखा रहे हो, भाई जब राजा भाई की कोई गलती नहीं है तो राजा भाई क्या करे, राजा भाई तो फिर भी बुलाने जा रहा है भाई, अब उससे ज़्यादा राजा भाई और क्या करे। बाकी चलो आज जो भी होता है सीधी सी बात है इसी व्लॉग में आज यार दोस्त
दोस्ती होगी तो यार सब खत्म होगा बस। अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल क्योंकि शफकत हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे जाके जो भी बात होती है मैं आपको बताता हूँ। भाई अभी हॉस्पिटल के बाहर आए हुए हैं तो अभी तक आ नहीं रहा यार, मतलब इतनी भी क्या यार दोस्ती की पीछे पागली कर दिया डेली डेली यार, मतलब मैं कह रहा हूँ कि खत्म। बीमार है क्या? नहीं, शफकत आया हुआ था भाई, उसके पास आए हुए। हाँ जी, आपके ब्लॉग में आपका मूड ऑफ है, आज आप ही मनवा दो भाई, मैं तो मना मना के थक गया हूँ भाई। यार दोस्तों मैं नहीं पर ब्लॉग देखता था आपके, भाई वो हमें बड़ा नाराज होगा नहीं करूँगा। क्या ले क्या इधर, मैं तो आज भी इसको हॉस्पिटल के बाहर मनाने आया हूँ। जी जी सच में करता है कोई बिना मजाक के मेरे को। देखो आप दोनों के ये तो है नहीं कि आपको उनको संभोलूंगा मुझे कोई प्रॉफिट होगा। जी जी इनका मैं भी ये बोलूंगा तो ये मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं है। आप भी मेरे को जानते भी नहीं हो, मैं कहाँ रहता हूँ वो भी नहीं पता। मैं सुना घर सुना हुआ आपका उधर है और आप चंडीगढ़ होते हो, ब्लॉग ही देखता हूँ मैं आपका, मेरा घर ये आगे। अच्छा 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 ये भी तब से मना रहा है बट इसका गुस्सा ही नहीं खत्म होता है। हाँ तो हम डेली मनाते हैं। नहीं इनका मैंने वो तरीका देखा ना मिलाने का। कैसा तरीका था, आपको कैसा लगा सच बोलना? गाइस देख रहे हो बुरा लगा। और अरबाज भाई कैसे हो, कहाँ घूम रहे हो? तो गाइस देखा अभी सब्सक्राइबर भाई मिले और उन्होंने भी यही चीज़ बोला कि उसका हाथ मिलाने का तरीका ना अच्छा नहीं, और ये सच बोलूँ रैंडमली भी हमें मिले यहाँ पे। तो बाकी देखते अभी हॉस्पिटल वगैरह आए हुए थे, कुछ बीमार था पत्नी अरबाज भी बीमार थे, शफकत भी बीमार था, तो इनसे मिलने आए हैं। मैं तो यही चाह रहा हूँ कि भाई जितनी जल्दी हो तो ये लड़ाई वगैरह ख़त्म हो। तो तू भी वो है पापे भाई है अपना, तेरे साथ क्या लड़ाई होते रहते भाई में लड़ाई झगड़े। पता है फ्रेंड सर्कल में ही ऐसा बंदा होता है जिसको फ्रेंड सर्कल में होता है कि ये इसके साथ ज्यादा टूट रहा है या ये। और आपने अगर आप हमारे ब्लॉग देखते हो आपने स्टार्टिंग से हमारी दोस्ती देखी होगी, कौन है ये तीन आपको मेरे ब्लॉग में दिखे होंगे तो वो चीज भी आपने देखी और आप इसके साथ रहे हो दिल से, वो भी आपकी आंखों ने देखा होगा। ठीक है ना, चलो गलती होती रहती है, आप किससे भी सोचो आपको इतना फर्क पड़ रहा है। मेरे को तो बड़ा, मैंने आपकी वीडियो देखी नहीं मैं रोया यार, जुड़ के बोलना क्योंकि फ्रेंड सर्कल में जब आप जिसके साथ दिल से दोस्ती हो ना वो आगे से ऐसे ऐसे पहुँचते रहो। आप इनको बाहर मिले, इस बंदे ने आपको देखा था पार से, साइड हो जाओ मेरा भाई साइड हो जाओ, रॉन्ग साइड से बंदा इतनी तेज बाइक लेके गया आपके लिए मुड़ के आया उस टाइम पे ये 100 से प्लस आपको पकड़ने के लिए यहाँ पे रोक के आपसे बात की, लेकिन आपने फिर उस दिन भी आपने बोला नहीं जा रहा। चलो ठीक है भैया, दोस्ती में ऊपर नीचे बातें चलती रहती है यार, बाकी अब हो जाए जब हमने कर दिया माफ छोड़ो कोई बात नहीं। उस बंदे को भी दिख रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, तो अब इसको अगर मैं बोलूं उन बंदों को दिख रहा है भाई कल इसको रईस भी लेके आया, रईस को भी इसने धक्के दिए पुल पे, चल 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 रहने दे, बस आगे से चिढ़ता है ये इसका, ये आगे से चिढ़ता है ये, इसको भी समझाया तो इसने, तो भाई तेरे को दो बार ही मनाने आया हूँ, दो बार इसने बुलाया तो तेरे को मनाने आया हूँ, नहीं आया तो उसको छोड़ तेरे को दो बार ही मनाने आया, नहीं तेरे को दो बार ही मनाने नहीं आया मैं, तू देखना किसे कैसी फुद्दू जैसी हरकतें करता लड़ने वाली। हाँ ठीक है, तू आगे से जब तेरे को मनाने आया तू नहीं मान रहा, तरले मार लिए तेरे कल से तेरे पीछे लगे हुए हैं। तूने किया फोन जब तेरे को मिला उस दिन डोडा में अच्छे से मिला था ना, वो शफकत क्या हाल है यार। देख सुन मेरे बच्चों पर कह रहे यार मुझे तेरे से बात, देख इससे लड़ाई हुई इसकी और मेरी बहस हुई, लोगों ने सोने पूछा मैंने क्या बोला अपने ब्लॉग में, गाइस वो बिजी है वो मामू के साथ है वो ये है, मैंने कुछ बोला मैं बस यही रह गया रोज का आओ इसको मनाओ आओ इसको मनाओ, आधे इसके सब्सक्राइबर आ जाते हैं, V3 बोस को मनाओ V3 बोस को मनाओ। हाँ चुप कर, तेरी सुननी है ना चुप कर, हम फुद्दू को तीनों मनाने आए हैं चुप कर, बस ये पता क्या चाहता है, बाकी दोस्तों की तरह हम एक दूसरे दोस्तों के ऊपर डिस्ट्रैक्ट निकाल ले जाए फिर हम एक दूसरे को धक्का दे तो फिर दी एंड होगी दोस्ती की। हाँ ठीक है, 5 मिनट तक से बाहर के तेरे कुछ, तेरे किसी कुछ बुरा बोला, तेरे लिए कुछ बुरा बोला नहीं, बुरा बोला कुछ तेरे लिए, बस ये यही चाहता है कि लड़ाई हो धक्के मुक्की हो, मुझे पता है ना, बस इसको इसको यार ये जोर बताता है बाहर बाहर, बस इसको मजाक हर टाइम ना मजाक अच्छा नहीं लगता। ठीक है यार ये मेरे साथ
बस इसको हर टाइम मजाक ही सूझता है, हर टाइम इसको मजाक सूझता है। तेरी क्यों फट रही है? खुद काम खुद करता है ना। तो तू क्यों बीच में आऊंगा? मैं मेरा दोस्त था, मैं आऊंगा। आज तक कहाँ था फिर? आज तक तू कहाँ था? तू कहाँ था? तू कहाँ था? फुद्दू साला यार, ये रोज हम फुद्दू हम इसको मना रहे हैं। नहीं मनाओ, मैंने नहीं बोला। जा ना फिर यार, तो जा तू भी। तो फिर सीधा बोल दे नहीं करनी बात। नहीं फिर सीधा बोल दे नहीं करनी बात, बात खत्म। कब की तूने अच्छे से बात? वो ऊपर ऊपर से क्या मिल रहा है? ये तेरा अंदर से निकल रहा है, अंदर क्या दिख रहा है मेरे को? तेरे अंदर क्या सारे पड़ोगे? हाँ तो बोलेंगे ना। हाँ खा पी के चढ़ रहे है, देख ना खा पी के चढ़ रहे हैं। बोंदल क्या हुआ ये? जा इसको पूछ लास्ट में, जा तो निकलो यार, ड्रामे हो गए रोज के इसके। वो ही तो तेरी गलती है, तू बोलता ही तू नहीं है कुछ। बोल ना शदाब, प्यार से बात करे यार तू भी। शदाब नहीं मानता, छोड़ इतने इतना कुछ नहीं है, ठीक है भाई? मैंने कुछ बोला बस, ठीक है बात खत्म कर दे। मैंने ऊपर मैं नहीं बुलाता हूं हाथ। पता कैसे मैं तहालुम लाने जाऊंगा ना, मुंह ऐसे करेगा तो ऐसे हाथ करेगा। ये क्या होता है यार, अगली बार यार अच्छे से काम जाता है, अच्छे से मिलाता है। खराब कर दो ना सारे हाथ तो फिर भाई। हम क्या भूल गया बाबे, ठंडा हो यार, ऐसे गुस्सा नहीं लाना यार। ठीक है वो छोड़ो, मैंने भी यही बोला छोड़ यार, जो हुआ छोड़। बट पता नहीं क्या है, होगी भाई दोस्ती भाई, क्या पता कल तू जिंदा है मैं हूँ, ये है। जब तक जी रहे हैं, जब तक जी रहे हैं तब तक रहे। राजन भैया के बर्थडे पे मिला, अच्छे से मिला नहीं, मारो आज इतनी मिट्टी। जी जिसकी गलती थी भाई, घर वालों ने जब माफ कर दिया हमसे भाई, हम भगवान से बड़े नहीं है। दबाना नहीं, लाख टूटा हुआ है। चलो यार आज टाइम क्या हुआ, कितने बजे माफ दोस्ती माफी हुई है? राजीनामा 5:18 पे माफ की है। तो अगर अगली कोई गलती भी इतनी कबर भी बनेगी। चलो गाइस अभी जाते हैं भाई, रोज रोज नहीं होता भाई ये सब यार। हाँ करवा दूँ, करवा दूँगा। चलो गाइस बात हो गई अभी ऐसे, वो परब भैया जा रहे हैं वहाँ से। तो भाई दोनों कलर हमारे अलॉय के चारी हो जाएंगे, जैसे साइड पे आप शॉकर्स देख सकते हो। तो बस तो उसके बाद बाइक लगेगी एकदम अपनी बॉम्ब। तो गाइस अभी हुई है रात, तो अभी हम जा रहे हैं भाई एक स्कूटी लेने के लिए। न्यू मूड बन गया था पापा का स्कूटी के रिलेटेड, तो देखते हैं भाई कौन से स्कूटी लेने के लिए जा रहे हैं। जो भी स्कूटी लेके आएंगे, आपको पता लास्ट मंथ भी हमने यूपिटर ली थी, तो वो दीदी लेके अमृतसर, तो दीदी ने सॉरी वो मारेगी, उसका नाम निक है, उसको निक ही बोला करो सारे। तो अभी मम्मा गेट को लॉक लगा रहे हैं, पापा आ रहे हैं, कौन से स्कूटी ले रहे हैं। पापा मेरे को ना यूपिटर बहुत पसंद है, दुनिया से एक कदम आगे। तो माता जी आ रहे हैं अभी गाड़ी में, मम्मा से मिला देता हूँ आपसे, पापा डर लगता है। हाय कैसे हो? कौन सी स्कूटी ले रहे हो? पापा दिला रहे हैं, अब देखो कौन इन स्कूटियां लेके करने क्या है। शोरूम खोलना कर पे आपने, फिर कलेक्शन बनाना है। ठीक है ठीक है, मम्मा का तो सिर्फ नाम ही होता है चलानी बाबू, पापा और नैन्सी नहीं होती है। हम सिर्फ इनको लेके दे देते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, हम इनको फैमिली है ना, फैमिली के लिए करना ही पड़ता है। तो मेरे को फिर लेके दे रहे हो RC 390? नहीं मैं लेके दे रही हूं क्रिसमस पे। चलो गाइस मेरी बाइक भी डन हो गई है, तो अभी जो स्कूटी हम ले रहे हैं मैं आपको बताता हूँ कौन सी स्कूटी ले रहे हैं। 3 स्कूटी हो जाएंगी हमारे पास, तो जो भी स्कूटी आती है मैं आपको बताता हूँ। ये न्यू आ रहा है, इसको देखो, ये एक विंग्स लगे हुए हैं और 200 तो आपको पता है भाई सुपर क्लच यार। तो पर नहीं गाइस ये बाइक ना ही लो तो अच्छी है। ये लगी हुई गाइस अपनी वरना, और वरना को पापा ने देखो क्या किया है। फाइनली गाइस अपनी एक और सुपर बाइक है जो आ चुकी है। कहाँ पे जा रही है? आप क्यों नहीं चला रहे हो? बता देना की स्कूटी आपको कैसी लगी। तो मम्मा ने ली है स्कूटी, पापा ने लेके दी है मेरे को। KTM कब लेके दोगे? चलो ठीक है, आज पापा बड़ा खुश है स्कूटी लिए। शीशे कब खोलने इसके? ये नहीं खुलेंगे कभी।
कभी भी नहीं कोई ही बोलता है पापा कभी नहीं करने वाला। चलो गाइस ठीक कांग्रेचुलेशन लिख देना सारे स्कूटी में। तो बाकी चलो गाइस आज का व्लॉग इसी के साथ एंड होता है। सबको बाय बाय।